जमजम के पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके पार्टिकल्स को देखने के लिए और उसके हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं जमजम के पानी का वो रहस्य जिसे सिर्फ मुस्लिम जानते हैं। तो जमजम का पानी हमने बहुत सारी वीडियोस में देखे हैं, हमने इतनी सारी रमजान वाली वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर मस्जिद अल हरम में जाके लोग अपना इफ्तारी करते हैं और वहां पे जाके वो जमजम के पानी से सबसे पहले अपना रोजा खोलते हैं। तो हमने ये बहुत सारी वीडियोस में देखा और सच में हमें ये पता है उसके अंदर बहुत सारे राज हैं, वो बहुत प्योर पानी होता है। पर आज की वीडियो में कुछ नए राज पता चलेंगे, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जमजम के पानी से रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें हमेशा जितने भी लोगों ने बात की है उन्होंने यही कहा है कि बहुत चमत्कारी पानी है, इससे इस पानी पीने से जो है बहुत लोगों के रोग दूर हुए हैं, बहुत कमजोर लोग जो होते थे जिन्हें कोई भी मेडिसिन असर नहीं करती थी उन्हें सब मेडिसिन असर करने लगी। तो मतलब काफी कुछ हमने फैक्टफुल चीजें इनके बारे में सुनी है, लेकिन ये पानी कहाँ से आता है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में पता करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 4.5 लाख लीटर पानी रोज इस कुएं से निकलता है, फिर भी ये कभी नहीं सूखता। और हैरानी की बात तो ये है कि ये कुआं ऐसे रेगिस्तान में है जहाँ पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। दोस्तों, आमतौर पर कुएं से पानी निकालो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जब बात मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की होती है तो ये पानी ना सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमयी है कि इसके बारे में सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में लोग पानी निकालते हैं, लेकिन इतने सालों में ना ही ये कुआं सूखा और ना ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। और ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अब हम आपको एक वैज्ञानिक की इस पानी के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताएंगे, तब तो आपको और ज्यादा हैरानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसमें ऐसी कई कहानियां हैं जो आपने सुनी होंगी, उसी में से एक है जमजम के पानी की। ऐसा कहा जाता है कि हजारों सालों पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के दिए हुए आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगा, तभी एक चमत्कार होता है कि रेत में से पानी निकलने लगता है। अच्छा। और यही वो जगह है जहाँ पर बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के पानी के नाम से जानती है। इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग न सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और इसे अपने घर पर भर कर लाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी है जो कि सभी कष्टों को दूर कर देता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये कैसे जमजम का पानी आता है। दोस्तों, इसके ऊपर कई तरह की तहकीकात की गई, फिर ये नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का के पहाड़ों पर बनी दरारों से आता है। और इस्लामिक मान्यता की माने तो पहाड़ों पर बनी ये दरारें तब बनी थी जब इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा था। अब आप सोच लीजिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीन दरारें पड़ गईं कि आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देख काफी हैरान हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर क्यों मुसलमान जमजम के इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मसारू एमोटो ने एक ऐसी खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। मसारू एमोटो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई और नहीं हो सकता था। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी की, इन्होंने रिसर्च की। और ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि एमोटो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। इनका कहना है कि जमजम के पानी के पार्टिकल माइक्रोस्कोप से ही नहीं देखे जा सकते। जमजम के पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके पार्टिकल्स को देखने के लिए और उसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए जमजम पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की हजार बूंदों के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। मसारू एमोटो एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं।
इनका कहना है कि जब जमजम के पानी की मात्र एक बूंद को नॉर्मल पानी के हजारों बूंदों से मिलाया जाता है तो उन हजारों बूंदों में वही गुण आ जाते हैं जो जमजम के पानी की एक बूंद में होते हैं। अगर हम इस जापानी वैज्ञानिक की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी के क्रिस्टल बनाए तो उसकी बनावट अलग ही होगी, लेकिन जब मसारू एमोटो ने जमजम के पानी से क्रिस्टल बनाई तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम के पानी से बनने वाला क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी बनता है। दोस्तों, जमजम का पानी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो भी खराब नहीं होता और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक कोई काई नहीं जमी है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते। 1971 में मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस को लिखा कि मक्का का जमजम का पानी लोगों के पीने के काबिल नहीं है। दरअसल इसके इस बयान की बुनियाद थी कि काबा सी लेवल से नीचे है और मक्का शहरों के बीचों बीच है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों से इस कुएं में आकर जमा होता रहता है। ये खबर सऊदी अरब के किंग फैजल तक पहुंची और उन्होंने मिस्र के इस डॉक्टर के इस बयान को गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने फौरन सऊदी के कृषि और पानी वसायल हुजरा को इस मामले में जांच करने और जमजम पानी का एक सैंपल चेक करने के लिए यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजे जाने का हुक्म दिया। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये पानी का एक छोटा सा कुंड था, छोटे पोखर के समान। 18x14 का ये कुआं हर साल लाखों गैलन पानी हाजियों को देता है और ये सिलसिला तब से चालू है जब से वजूद में आया है, यानी कई शताब्दियों पहले हजरत इब्राहिम के वक्त से। उन्होंने अपनी खोजबीन शुरू की और कुएं को अच्छे से समझने की कोशिश की। उन्होंने कुएं की गहराई मापने के लिए एक शख्स को पानी में उतार कर भी देखा। उन्होंने देखा कि पानी की सतह उसके कंधों से थोड़ा ऊपर ही थी। उस शख्स की ऊंचाई तकरीबन 5 फीट 8 इंच थी। उस शख्स ने सीधा खड़े रहते हुए उस कुएं में एक कोने से दूसरे कोने की तरफ खोजबीन की कि पानी आखिर किस तरफ से आ रहा है, पानी की धारा कहाँ है जहाँ से पानी निकल रहा है। उसे पानी में डुबकी लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने बताया कि पानी किस जगह से निकलता है उसे अभी समझ में नहीं आया। इसलिए उन्होंने दूसरा आइडिया सोचा। उन्होंने उस कुएं में पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप लगा लिए ताकि वहां से तेजी से पानी निकल सके और पानी के स्रोत का पता लग सके। उन्हें हैरत हुई कि ऐसा करने पर भी कुएं के पानी आने की जगह का पता नहीं चल पाया, लेकिन उनके पास सिर्फ एकमात्र यही तरीका था जिससे जाना जा सकता था। इसलिए उन्होंने पंप से पानी निकालने के तरीके को फिर से दोहराया और पानी में खड़े होकर गौर से उस जगह को पहचानने की कोशिश करने लगा। इस बार कुछ वक्त बाद ही उसने हाथ उठाया और खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा, मुझे कुएं में पानी आने की जगह का पता चल गया। उनके पैरों के नीचे की ये जगह है जहाँ से पानी आ रहा है। पंप से पानी निकलने के दौरान ही उसने कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाए और उसने देखा कि ऐसा ही कुएं में दूसरी जगह भी हो रहा है, यानी कुएं के हर हिस्से से पानी आ रहा है और इसी वजह से जमजम के कुएं के पानी की सतह लगातार एक सी रहती है। इस तरह उसने अपना काम पूरा किया और यूरोपियन लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजने के लिए पानी का सैंपल ले आया। अब इसका रिजल्ट भी देख लीजिए। जमजम के पानी और मक्का शहर के सारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की मात्रा का फर्क था। जमजम में दोनों तत्व ज्यादा थे। शायद यही वजह थी कि जमजम का पानी यहाँ आने वाले कमजोर हाजी को भी ताकतवर और तरोताजा बनाए रखता है। अहम बात ये थी कि जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड अपना अहम असर रखता है। ये फ्लोराइड कीटाणु नाशक होता है। ये तक कि यूरोपियन लेबोरेटरी ने अपनी जांच में बाद में बताया कि ये पानी पीने के लिए अच्छा है और इस तरह मिस्र के डॉक्टर का जमजम के बारे में फैलाया गया प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। इस रिपोर्ट की जानकारी जब शाह फैजल को दी गई तो वे बेहद खुश हुए और उन्होंने यूरोपियन प्रेस की जाँच रिपोर्ट भिजवाने के हुक्म दिए। इससे जुड़ी एक और हैरत कर देने वाली बात आपको बता दें कि जमजम का ये कुआं कभी भी नहीं सूखा। यही नहीं, इस कुएं ने जरूरत के मुताबिक पानी की सप्लाई की है। जब जब जितने पानी की जरूरत हुई है यहाँ पानी रहता है। एक सी सॉल्ट संरचना, इस पानी के सॉल्ट की बनावट हमेशा एक जैसी रहती है। इसका स्वाद भी जब से वजूद में आया तब से ऐसा ही है। यूनिवर्सल टेस्ट, अलग अलग जगह के पानी का स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन जमजम पानी का स्वाद यूनिवर्सल है। हर पीने वाले को इस पानी का स्वाद अलग सा महसूस नहीं होता है। कोई जैविक विकास नहीं, इस पानी को कभी रसायन डालकर साफ करने की भी जरूरत नहीं होती।
जैसा कि पीने के पानी के मामले में ये तरीका अपनाया जाता है। ये भी देखा गया है कि आमतौर पर कुओं में कई जीव या वनस्पति पनप जाते हैं, कुओं में शैवाल हो जाते हैं, जिससे कुएं के पानी में स्वाद और गंध का मसला पैदा हो जाता है। लेकिन जमजम के कुएं में किसी तरह का जैविक विकास का कोई निशान भी नहीं मिला है। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो थी बहुत अच्छी वीडियो थी, मतलब हमने जमजम के पानी के बारे में बहुत सुना हुआ है, बहुत से उसके राज सुने हुए, पर ये पानी शुरू कहाँ से हुआ, ये कहाँ से उसका, जैसे जो इब्राहिम है उनके लड़के को पानी पीना था तो वहां से वो पूरी कहानी शुरू हुई है, जो कि आज की वीडियो से हमें पता चला। और सच में बहुत अच्छा लगा ये सब जान के, और इतना अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि हजारों लाखों की तादाद में लोग वहां से पानी पीते हैं, पर उसका पानी अभी भी कम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो चमत्कार चल रहा है, और वो पानी कभी भी गंदा नहीं होता। कितने साइंटिस्ट ने उसको क्या कहते हैं रिसर्च कर लिया उसके ऊपर, इतना साफ सुथरा और इतना अच्छा पानी है जमजम का। तो सच में आज की वीडियो से तो हमें बहुत नॉलेज मिली। बिल्कुल, आज की वीडियो काफी फैक्ट से भरी हुई थी और हमें इतना ज्यादा अच्छा लगा इन सब चीजों के बारे में जानकर कि वो पानी कभी गंदा नहीं होता, उसमें कोई जैविक जो है कीटाणु नहीं बनते, जो कि वाकई में अपने आप में एक बहुत सरप्राइजिंग बात है। क्योंकि नॉर्मली आप कहीं पे भी जाएं, जितने भी वाटर सोर्सेज हैं उन सब की क्लीनिंग चलती रहती है, और स्पेशली जो पुराने जमाने की ये टेक्निक है कुएं वगैरह, तो उनकी तो क्लीनिंग हमेशा होती ही रहती थी, लेकिन वाकई में जमजम के पानी को कभी साफ नहीं किया गया, और आज तक ये बात पता नहीं चली है कि वो कहां से आ रहा है, क्योंकि वो हर तरफ से उसका लेवल बराबर है, और जितने भी साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च की है उन सब ने ये बात प्रूव की है कि वाकई में बहुत अमेजिंग फैक्ट है पानी के अंदर। तो वाकई में आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।